मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसले मत हार, गिर करे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। शायरी बनने के पश्चात मेरे जीवन में मैंने कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे मेरे सामान्य जीवन में और अधिकारी के जीवन में मैंने कभी उनको दोनों को अलग अलग करने की कोशिश नहीं की। मैं आज भी जो सामान्य मेरा जो जीवन दैनिक दिनचर्या थी उसी को अनुसरण करते हुए अपने समस्त कार्य निर्वहन करता हूँ, और मैं मेरे जो अधिकारी की कुर्सी है उस कुर्सी से मैं कभी अधिकारी बन करके उसके साथ मैं ट्रीट नहीं करता हूँ। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव स्वभाव होता है, उस स्वभाव के साथ में मैं किसी प्रकार की बनावटी बन लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, और मैं मेरे जो नेचुरल वे है, जैसे मैं भले ही शायद एक तृतीय श्रेणी अध्यापक था, उसमें भी मेरा जो कार्य करने का तरीका था वो वही था, और जब मैं प्रधानाध्यापक बना तब भी वही था, और आज जब मैंने अपने जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव नहीं किए हैं, जनता की जो मुझसे अपेक्षा है मैं उन पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास भी करता हूँ, और जहाँ तक संभव है मैं खरा उतर रहा हूँ, और यही मेरे जीवन का मुख्य ध्येय है, क्योंकि मेरे को करने का यथासंभव मैं मेरे तरीके से पूरा प्रयास करता हूँ, और मेरे यही जीवन का मूल मंत्र है कि जो मुझसे अपेक्षा लेके आए वो हमेशा संतुष्ट होकर के जाए। और अभी भी मैं वर्ष 2018 में जो आरएएस की भर्ती आ रही है उसके लिए पूर्णतः कटिबद्ध हूँ, और पर जो मेरी मनचाही पोस्ट है राजस्थान सिविल सेवा की, जो सर्वोच्च पोस्ट है आरएएस, उसमें चयनित होने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा, और आशा करता हूँ मैं उसमें चयनित भी हो जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विश्वास से लबरेज इस युवा आइकॉन, जिसके पढ़ने और पढ़ाने का शौक है और सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक है, उनसे जब मिलते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो बेहद ही साधारण अंदाज में और सरलता से जो बात रखी जा सकती है वो रखते हैं। ग्रामीण परिवेश में और गरीबी में पल बढ़ करके जिस तरह से संघर्ष करते हुए ये मुकाम हासिल किया है वो निसंदेह प्रेरणादायक है। आइए अब उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। बचपन बहुत गरीबी में बीता है और आपको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है, तो क्या ये गरीबी आपकी सफलताओं के आड़े नहीं आई? क्योंकि इस गरीबी में आप पले हैं, बड़े हैं, आगे भी बढ़े हैं और उन्नति के कुछ पायदान पर चढ़े भी हैं और अभी भी जारी है। क्या गरीबी ने आपका रास्ता नहीं रोका? देखिए, जहाँ तक गरीबी का संबंध है, तो जब मैंने सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की तब तक मुझे गरीबी कम बाधा महसूस हुई, लेकिन जैसे ही कॉलेज में प्रवेश लिया उस समय मुझे थोड़ा बहुत ये महसूस हुआ कि जो कॉलेज में और पढ़ाई के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी वहाँ पे मुझे थोड़ी महसूस आवश्यकता महसूस हुई। इस दरमियान मैंने एक जो पढ़ाई में सहायक के तौर पे छोटा सा रोजगार प्राप्त कर लिया था, प्राइवेट जॉब के रूप में एक जैन गया मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, तो वहां से मुझे जो भी सैलरी के रूप में कुछ पैसे मिलते थे उससे मैं मेरा खर्चा आराम से चला पाता था, और नियमित विद्यार्थी के रूप में मैंने फिर ये कॉलेज उत्तीर्ण की। पहले मैंने एक बार ये भी सोचा था कि मैं किसी विद्यालय को ज्वाइन कर लूँ, और उस विद्यालय प्राइवेट विद्यालय से जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे मैं अपना खर्चा चलाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैं स्कूल विद्यालय निजी विद्यालय में जाऊंगा तो वहाँ मेरा जो कॉलेज का जो नियमित अध्ययन है वो पूरा प्रभावित हो रहा था। मैंने एक महीने वहाँ नौकरी करके भी देखा, लेकिन फिर मेरा जो अध्ययन प्रभावित हो रहा था मैंने उस नौकरी को रिजेक्ट कर दिया, और मैंने जो ये जैन के वहाँ नौकरी थी उसने मुझे केवल अपने कॉर्पोरेट बिल्डिंग की उसकी देख रेख के लिए रखा था, तो मुझे उसने एक कमरा भी दे दिया था रहने के लिए। मैंने अपना मुकाम है वो आफ्टर सीनियर क्लासेस खुद चूज किया, मैंने कहा इस प्रकार से मैं घर वालों के ऊपर भी बोझ नहीं बनूं और घर वालों को भी कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरा बच्चा है वो आर्थिक जो है थोड़ी कमजोरी उस कारण से पीछे रह रहा है, तो मैंने अपने रोजगार के माध्यम से इसको फेस किया। उसके पश्चात जैसे ही मेरा कॉलेज एजुकेशन पूर्ण हुआ उस समय मुझे सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए जयपुर या दिल्ली जाने का मैंने मानस बनाया, उस समय मुझे जरूर ये महसूस हुआ कि जो आर्थिक विपन्नता थी वो वहां कहीं कहीं आड़े आ रही थी। कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने कहा कि हम आप जाओ वहाँ पढ़ो, हम आपके लिए समस्त जो मैनेजमेंट कर लेंगे खर्चे वगैरह का, कोचिंग का, फिर मैं वहाँ गया भी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम आपके हमेशा साथ हैं, वहाँ उनका मुझे साथ पूर्ण कटिबद्ध रूप से नहीं दिखा, और मैंने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और ये सोचा कि
मैं पहले कोई छोटा सा रोजगार प्राप्त कर लूँ, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूँ, चाहे शिक्षक की हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, इस प्रकार के छोटे जॉब की तरफ मैंने एक बार अपना ध्यान आकर्षित किया, ताकि मैं उस जॉब की बेसिस पे जब एक बार मेरा जो जॉब सिक्योरिटी मुझे मिल जाए, उसके पश्चात मैं अपना मुकाम है वो मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता हूँ। इस दरमियान मैंने बीएड किया और कुछ पुलिस कांस्टेबल के भी 2-3 एग्जाम मैंने फेस किए, कुछ स्टेज पे मैं सफलता हासिल नहीं कर सका। फिर जैसे मैंने बीएड किया, उसके पश्चात जो जस्ट अगली प्रतिश्रेणी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आई, मेरा बहुत ही उच्च वरीयता से चयन हो गया। और उसके पश्चात दो चीजें हुई, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था बढ़ गया, जो मैंने कम से कम 30,000 की भर्ती थी और पूरे राजस्थान से 2-2.5 लाख लोग एग्जाम बैठे थे, उसमें अंडर 1,000 मेरी रैंक आई थी। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, राजस्थान के चुने गए 1,000 लोगों में से मेरा नंबर था, तो मुझे अपने आप विश्वास पे और अपने आप की काबिलियत पे थोड़ा भरोसा मजबूत हुआ मेरा। और उसके पश्चात मैं इस क्षेत्र में लग गया और इसी तैयारी की बदौलत ही मेरा एक बार प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा के पद पर भी चयन हो गया। उसके पीछे मैंने ये उसको फोकस नहीं बनाया था मुझे प्रधानाध्यापक बनना है, लेकिन मैंने जो सिविल सेवाओं की तैयारी की थी और उसका उसका सिलेबस मिलता जुलता था, मेरा चयन आराम से उसमें हो गया। लेकिन मुझे अंत में इसी राजस्थान या भारतीय सिविल सेवा के पढ़ना था, लेकिन भारतीय सिविल सेवा के लिए जितना समय देना चाहिए था उतना समय मैं क्योंकि जॉब में आ चुका था और मुझे छुट्टियां लेने की भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मुझे मेरे घर के खर्चे चलाने थे। मैं विदाउट पेमेंट होकर के वहाँ कहीं पढ़ने चला जाता तो मुझे मेरी नौकरी भी तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती, तो मैंने इस चीज़ को भी सोचा और फिर मैंने राजस्थान सिविल सेवा की तरफ अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया। और पिछले वर्ष 2007 से मैंने लगातार मेंस देता जो लिखता गया, और इसी दरमियान वर्ष 2012 का जो आरएएस एग्जाम था उसमें मेरा 289वीं रैंक पे राजस्थान सहकारिता सेवा के लिए चयन हुआ मेरा। इस टफ परीक्षा को पास करने के लिए आप हमें क्या सुझाव देंगे? आप जो मेहनत आप ईमानदारी से करोगे तो उसकी हमेशा जीत होती है, और हमने ये हमेशा पढ़ा है कि जिन जिन लोगों ने भी पूर्ण ईमानदारी के साथ में परिश्रम किया है वो हमेशा सफलता को हासिल किया है उन लोगों ने। और अभी नए नए प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए उनकी आयु अभी भी पूर्ण की है, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो एक बार जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस कैरियर को अपना विकल्प वो चुन रहे हैं, उस कैरियर की तरफ उसका क्या पाठ्यक्रम है, उसकी कहाँ पे अच्छी पुस्तकें मिलती है, उन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम जिस परीक्षा के लिए आप जिस परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को तो कम से कम रट डालें, ताकि आपका एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि मुझे इन इन बिंदुओं को छूना है, इन इन बिंदुओं की मुझे विस्तृत अध्ययन करना है। और उसके पश्चात आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, एक साथ हो सकता है आप बड़े किसी एग्जाम को फाइट न कर पाए, तो यदि आपके पास में अवसर उपलब्ध है तो आप किसी बड़े एग्जाम की भी तैयारी पूर्ण मनोयोग से करें, और यदि आपके पास में अवसर की उपलब्धता नहीं है या आपके थोड़े कोई संसाधन आपके कहीं अड़े आ रहे हैं तो आप अपना एक पहले जॉब हासिल कर लें, उसके पश्चात आराम से आप तैयारी करें, निस्संदेह आप सफल होंगे। युवा जो प्रतियोगी है उनसे उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो ये बड़े एग्जाम है जैसे आरएएस है, आईएएस है, ये एग्जाम आपकी जो बुद्धि क्षमता है मेगा है उसकी तो परीक्षा है ही है, साथ ही में ये आपके धैर्य की भी परीक्षा है। और चूंकि उस एग्जाम में चयनित होकर के आप एक उच्च पद पे पहुंचोगे, वहां भी आपको धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, अतः हमें धैर्य को तो कभी खोना ही नहीं है। साथ ही हम जब हमारे अंदर यदि पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आप तैयारी करेंगे, तो आपके कहीं भी धैर्य की समस्या नहीं आएगी। आपको जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो, तो आप अपना कर्म किए जाएं, आपको जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके संबंध में जो तैयारी करनी है, उसके संदर्भ में क्या क्या आपको तैयार करना है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन कौन से आपको नोट्स बनाने हैं, कहाँ पे आपको उसकी कोचिंग करनी है या सेल्फ पढ़ना है, या किससे सहायता लेनी है, कौन से गुरुजी से मिलना है, ये समस्त चीजें हैं, इनको आप समयबद्ध तरीके से करते जाएं। और जो लोग आपसे नकारात्मक बातें करते हैं, यार ये तो लंबा प्रोसेस है, फलाने इंटरव्यू में वो हो जाएगा, मेंस में ये हो जाता है, कई प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां करने वाले लोग हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, उन लोगों की टिप्पणियों से बिल्कुल हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और उन लोगों को अपने जीवन में स्थान भी नहीं देना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ में और अपनी पूर्ण मनोयोग, पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ में परीक्षा की तैयारी में पूरी लगन के साथ में मेहनत करनी चाहिए, निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी। और इसमें जो परीक्षा का प्रोसेस है उसका कितना ही लंबा हो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा।
आपको युवा आइकॉन कहा जाता है, क्या युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं किसी शायर की चार पंक्तियां भी शेयर करना चाहूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसले मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं मेरे युवा दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि आप जीवन में जितनी बार भी असफल हो जाए उससे असफलता से प्रेरणा पाकर के आप दुगुनी ऊर्जा के साथ में वापस नई ऊर्जा का संचार करते हुए अपनी जो इच्छित है प्रतियोगी परीक्षा उसके लिए हमेशा तैयार रहें। असफलताओं से निराश नहीं हो, हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में और अपने जो मंजिल की राह है उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप अपना रास्ता चुन लें, एक अपने कैरियर की दिशा चुन लें और उसके पश्चात उस दिशा में पूर्ण कटिबद्धता के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में मेहनत करते हुए, निरंतर परिश्रम करते हुए अपनी तैयारी करें। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको कोई असफल कर पाएगा।